स्पेशलिटी है, मतलब बहुत अच्छा से उसका बनाती है मम्मी, बहुत लोग पूछते हैं मम्मी से और वो हाईली रेकमेंड भी करती है बना के खाना। इसमें एक डब्बा अगर आप चावल लेते हैं तो उसका आधा चने की दाल और उड़द, चने की दाल ज़्यादा लीजिए, उड़द की दाल थोड़ी क्वांटिटी में, ना भी डाले तो चलेगा बट इसमें टेस्ट अच्छा आता है और मुलायम भी होता है। और चावल, चावल अरवा चावल के लिए थोड़ी सी अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, ये आपके इच्छा के अनुसार, अगर आप ना डालना चाहें तो ना डालें। ये भुक्ता की सब्जी बन रही है, आलू की सब्जी, मैंने थोड़ा सा तेल डाला है, सरसों तेल, सरसों तेल, ऐसे ही क्रैकल होने लगे तो समझ जाओ कि अब नेक्स्ट स्टेप करने का टाइम आ गया है और नेक्स्ट स्टेप में पता नहीं क्या करना है। इसके बाद टमेटो पेस्ट चाहिए, थोड़ा सा हमारा घर का मसाला, पीसा हुआ मसाला जिसका सारा है, अदरक है, लहसुन है, गोल मिर्च है, हरी मिर्च है और एक दो लाल मिर्च है, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में इसको डालना है। एक बूंद भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। काला चना भी थोड़ा सा बॉईल करके डाल सकते हैं, फिर मैं नहीं डाल रही हूँ। हम लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कभी कभी काला चना डालते हैं और कभी कभी नहीं डालते हैं। थोड़ा सा मैश किया हुआ, पूरा उसको मतलब वो पेस्ट तोड़ लेना है, बस तोड़ लेना है। और ये सिर्फ एक बॉल डालूंगा क्योंकि ये दूसरा दो लोगों के लिए बनने वाला है। अगर आपके घर में ज्यादा लोग हैं तब ज्यादा आलू, ज्यादा मसाले, सब कुछ ज्यादा ज्यादा डालें। कंसिस्टेंसी होगा ताकि मतलब जब हम लोग इसको फ्राई करने के लिए कढ़ाई में डालें तो ये अच्छे से मतलब पोर हो जाए। तो हम लोग तो हैं बंगाली और ये है एकदम क्या प्योर झारखंडी खाना, तो फिर भी हम लोग इतना खाते हैं, बनाते हैं क्योंकि सबको पसंद है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और एक फुल मील भी है। हाँ, एक होलसम मील है और इसमें जितने इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं सब काफ़ी अच्छे अच्छे टेस्टी टेस्टी इंग्रेडिएंट्स हैं, स्वाद पड़ता है। और ऐसा नहीं कि हम लोग क्या है, अगर आपके स्वाद आपको स्वादिष्ट लगे तो आप बना सकते हैं। और सिर्फ उसका नहीं, हम लोग ये लिट्टी और सब तरह का खाना, हाँ, जो भी टिपिकल क्या बोले किसी एक रीजन का खाना है जो हम लोगों को अच्छा लगता है खाने में, हम लोग सब घर में बनाते हैं। साउथ इंडियन भी, हाँ साउथ इंडियन भी और लिट्टी भी, हम लोगों को लिट्टी भी बहुत अच्छी लगती है।
फ्राई होती है और सरसों के तेल में इसका स्वाद ज़्यादा अच्छा आता है। ऐसे आप रिफाइंड में भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग जितना कम से कम रिफाइंड यूज़ करें उतना ही कम रिफाइंड यूज़ करते हैं। इसलिए अब ये कढ़ाई में मैंने सरसों डाला है, ये गरम और ये लोहे की कढ़ाई, ये लोहे की कढ़ाई है, आप फ्लैट लोहे की कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें आप एक साथ 5-6 भी डाल सकते हैं, लेकिन उसमें एक एक ही बनेगा। हम लोग लोहा तो कढ़ाई क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम है ये, और पेशेंस का भी, तो जिसके अंदर पेशेंस है वो ही बनाए। और ये बिल्कुल इसी तरह से पूरी की तरह फूल जाएगा। लीजिए अब ये खाने के लिए तैयार है, मेरी बेटी को ये बहुत पसंद है, मुझे भी, आप लोग भी इसे बनाकर ट्राई कर सकते हैं। और यही है मेरे मोटापे का राज, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत टेस्टी खाना बनाती है और ऐसे भर भर के खाना देती भी है, क्योंकि आपको पसंद है कोई चीज़ तो वो चीज़ तो और भी ज़्यादा भर भर के देती है।